हाय, मैं राहुल और आप मेरा चैनल शिवायरा ब्लॉग देख रहे हैं। तो जैसे कि मैंने अभी मेरठ से लैंसडाउन की ट्रिप थी हमारी 2 दिन की, तो उसको पूरा कवर किया और मैंने ये देखने की कोशिश करी कि जो गाड़ी है निसान मैगराइट XV टर्बो, वो क्या माइलेज देती है पूरे जो हमारा रूट था उसको कवर करने के बाद में, कितना माइलेज मेरी गाड़ी ने दिया। तो जैसे कि मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, जो मेरठ से लैंसडाउन की जो डिस्टेंस है वो आप देख सकते हो कि 183 किलोमीटर से 183 किलोमीटर से। और मैंने यही वाला रास्ता कवर किया था। पहले मैं खतौली तक गया था, खतौली से बिजनौर, कीरतपुर, नजीबाबाद और उसके बाद ये गया था। तो जो टोटल हमारा किलोमीटर्स थे वो थे 183। तो मैंने अप एंड डाउन किया इसको, और मतलब 40 किलोमीटर का जो कोटद्वार से लैंसडाउन की दूरी थी वो पूरी हिली थी। तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि मेरी गाड़ी ने क्या माइलेज दिया। तो जैसे मैं एक बार स्टार्ट करके आपको, मैंने ज़ीरो कर दिया था ट्रिप को। तो जैसे आप देख सकते हो मेरी लैंसडाउन की जो डिस्टेंस थी वो 182 थी, और आने जाने की ट्रिप हुई थी मेरी 371 किलोमीटर। मैंने यहाँ से ही ज़ीरो कर दिया था मीटर को, और ये लगा मेरी डिस्टेंस मैंने कवर करी थी 371। तो मेरी जो एवरेज स्पीड थी वो थी 33 किलोमीटर्स, और मेरे को आने जाने में जो लगे मेरे को 11.5 घंटे का समय लगा। और ये है इस जो एवरेज मेरी गाड़ी ने निकाला है वो लगभग 18 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से निकाला है। तो आपको जैसे इसमें 42 किलोमीटर्स हिली एरिया थे आने जाने का, तो उसमें आप देख सकते हो कि ये मेरी गाड़ी का एवरेज जो निकाला है। और मैंने जो गाड़ी थी यहाँ से लेके पूरी ऊपर तक लैंसडाउन तक, मैंने एसी को ऑन रखा था, और मेरी पूरी एसी के साथ चलने के बावजूद भी मेरी गाड़ी ने जो एवरेज दिया है वो 18 का ही दिया है इसी हिसाब से ही। और मैंने पूरी टंकी फुल करा रखी थी, और अभी भी जब मैं यहाँ से भरा गया था पूरी फुल टैंक करा लिया था, और अभी भी आधी टंकी भरी हुई है आने जाने के बाद में भी। तो होपफुली आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस में अगर कवर करते हैं तो क्या एवरेज देती है निसान मैगनाइट XV टर्बो। होपफुली आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर ये शेयर करनी है तो मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। इसी तरीके से अपनी वीडियो में, मेरी वीडियो में इसी तरीके से प्यार देते रहना। और अगर कोई भी वीडियो निसान मैगनाइट से रिलेटेड आपको चाहिए तो मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो अगली बार अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं ध्यान रखूंगा और कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी वो वीडियो आपके लिए बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।